जिला दंतेवाड़ा के ब्लॉक गीदम के कन्या आश्रम कारली में 4 महीने से शौचालय चोक हो गया है, खराब हो गया है। कन्या आश्रम कारली की अधीक्षिका श्रीमती नक्का कमलेश्वरी के द्वारा खंड चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के अधिकारी को लिखित में आवेदन दी गई है, किंतु अभी तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं हुआ है। न कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए यहाँ आए हैं। ऐसी स्थिति में बालिकाओं को कभी तबीयत खराब हो जाए तो रात को जंगल में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे जहरीली जीव जंतु का डर बना हुआ है। आप यहाँ किस पद पर हैं? शिक्षा कर मतलब अधीक्षिका पद पर हूँ, मैं शिक्षा करती। यहाँ पर इस कन्या आश्रम में आपकी समस्या क्या है? शौचालय की समस्या खराब है। तो शौच के लिए बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? शौच के लिए बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसके लिए आप अधिकारी से और संपर्क किए हैं, आवेदन कुछ दिए हैं? क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? हो जाएगा, आश्वासन ही देते हैं। तो बनाएंगे बोलते हैं? बनाएंगे, अब वो देने बोले बीओ साहब, बोले कि ऐसे साहब से फटाफट लिख, बोले ऐसी बोले। आश्रम के अंदर नया शौचालय का निर्माण कार्य 1.5 वर्ष से अधूरा है। इस वीडियो के माध्यम से यह दृश्य दिखाना चाहता हूं कि 100 बालिकाएं शौच के लिए बाहर जा रही है। यह राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का धज्जिया एवं मजाक बनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिला के कलेक्टर श्री केसी सेनापति, जिसका मोबाइल नंबर है 7587700111, पर संपर्क कर अधूरा है शौचालय निर्माण के लिए पूरा कराने के लिए दबाव बनाए। मैं हूँ रामजग गोड़, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, इंडियन हट के लिए।